अब डॉक्टर जय सिद्धेश्वर शिवाचारी। धन्यवाद सभापति महोदय जी। मुझे रेलवे बजट के इस संदर्भ में बोलने के लिए अवकाश प्रदान किया, इसलिए मैं आपका बहुत आभार प्रदर्शन करता हूं। भारतीय रेल सेवा संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध रेल सेवा है। मुंबई की जो लोकल ट्रेन है, वहां की जनता की सही माने में यह जो सुविधा है रक्तवाहिनी के रूप में जाना जाता है। उसी तरह संपूर्ण भारत देश में जो रेल चलती हैं, भारत देशवासियों की सही माने में यह रक्तवाहिनी ही है, यह स्पष्ट होता है। मैं इस संदर्भ में भारत देश के माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और रेल मंत्री माननीय श्री पीयूष गोयल जी, अर्थमंत्री माननीय श्री अनुराग ठाकुर जी का सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि आपने सोलापुर जिले के सांगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक किसान रेल की शुरुआत करके किसानों के जीवन को आर्थिक मजबूत करने का बहुत बड़ा कदम आपने उठाया है। रेल मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया अभियान से अनेक किसानों को इस कारणवश बहुत ही सुविधा होने के कारणवश उनका जीवन का स्तर बदल गया है। रेल मंत्री के रूप में आप जो कार्य कर रहे हैं सही माने में बहुत ही प्रशंसनीय है, ये सिद्ध हो चुका है। मैं मेरे संसदीय क्षेत्र सोलापुर के कुछ विषय के बारे में रेल मंत्री जी के सामने कुछ विषय मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। मुंबई से हैदराबाद के लिए स्पीड ट्रेन की शुरू करने के लिए रेल मंत्रालय की एक योजना है। इस संदर्भ में रेल विभाग के द्वारा सर्वेक्षण हो रहा है, पुणे तक सर्वेक्षण हो चुका है, आगे की सर्वेक्षण जो है अभी चल रहा है। इसलिए इस जो स्पीड ट्रेन है सोलापुर में ठहराव देने की मांग सोलापुर के विविध संगठन द्वारा की जा रही है। अतः मैं आपसे नम्रपूर्वक निवेदन करता हूं कि मुंबई हैदराबाद बुलेट ट्रेन को सोलापुर में ठहराव दिया जाए। सर, बेंगलुरु से दिल्ली तक एक ट्रेन चलती है, वो कर्नाटक एक्सप्रेस केके एक्सप्रेस के रूप में चलती है, वो सोलापुर वाया करके दिल्ली आती है। दिल्ली के लिए अब तक कोई जो है विमान सेवा सोलापुर से अब तक प्राप्त नहीं हो सका है। दिल्ली आने के लिए सोलापुर से कहिए या बीजापुर से कहिए या अन्य उस्मानाबाद तुलजापुर के जो समीप के क्षेत्र के लोग हैं दिल्ली आना चाहते हैं तो सिर्फ वही एक ही ट्रेन है कर्नाटक एक्सप्रेस। इस कर्नाटक एक्सप्रेस में 3 से 4 महीने तक रिजर्वेशन प्राप्त नहीं होता है। अतः मैं रेल मंत्री माननीय श्री पीयूष गोयल साहब जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सोलापुर से दिल्ली एक नई ट्रेन इंट्रोड्यूस करने के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं। सर, सोलापुर और मुंबई का ये जो सफर है करीब करीब 440 किलोमीटर का एक सफर है। यहां से कई यात्री जो है रोज ही यात्रा करते हैं। एक ट्रेन चलती है रात में 10:40 पर सिद्धेश्वर एक्सप्रेस, जो सुबह 5:30-6 बजे तक वहां पर आ जाती है, बशर्ते कि सोलापुर से मुंबई जाने के लिए या मुंबई से सोलापुर आने के लिए स्पीड ट्रेन की कोई सुविधा नहीं है। यदि सोलापुर से निकला हुआ यात्री मुंबई का सभी कार्यक्रम समाप्त करके रात में फिर सोलापुर में आकर के रुकना चाहता है तो उसके लिए कोई ट्रेन की सुविधा न होने के कारणवश मैं आपके माध्यम से माननीय श्री पीयूष गोयल साहब जी से नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि सोलापुर से मुंबई, मुंबई से सोलापुर तक वंदे भारतम ट्रेन जो है शुरुआत करें। इस तरह मैं आपसे बहुत ही हृदयपूर्वक आपके सामने रखना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं। सर, अक्कलकोट रेल स्टेशन जो है सोलापुर के पश्चात होटकी के पश्चात एक अक्कलकोट रेल स्टेशन पड़ता है, वहां से बहुत ही कर्नाटक जो है बहुत कर्नाटक बाउंड्री सटा हुआ है। वहां से अक्कलकोट के स्वामी समर्थ को जाने वाले या जेवर के काशी विश्वेश्वरलिंग को जाने वाले या हैदरा के जो दरगाह है वहां जाने सब सिर्फ सर एक ही मिनट में खत्म करना चाहता हूं।
गुलबर्गा से, बीजापुर से, सोलापुर से आने वाले जितने भी अक्कलकोट रोड से उतरना चाहते हैं, वहां पर कोई दूसरी ट्रेन, सिर्फ एक ही ट्रेन रुकती है, दो पैसेंजर रुकते हैं, एक मेल रुकती है, एक दूसरी जो है जनता रुकती है। अतः मैं आपके माध्यम से पीयूष गोयल साहब से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बसवा एक्सप्रेस बीजापुर कूड़ा साकु जन बरतार, गुलबर्गू कूड़ा साकु जन बरतार, बेरे कड़ू कूड़ा जन बरतार सर। आ कारण बसवा एक्सप्रेस को अक्कलकोट रेलवे स्टेशन पर ठहराव दिए जाए, इस तरह मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। और टीकेकरवाड़ी सोलापुर से सट करके के छोटा सा स्टेशन है टीकेकरवाड़ी, या उसके बगल का जो पहले का गुड्स शेड था उसको टर्मिनल के रूप में वो परिवर्तित करें, यह मेरी जो है आपसे पीयूष गोयल साहब जी से मैं नम्र निवेदन करके, मेरे निवेदन को आपके सम्मुख रखते हुए मुझे बोलने के लिए आपने अवकाश दिया, इसलिए बहुत ही बहुत धन्यवाद प्रस्तुत। बहुत बहुत धन्यवाद शिवाचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद।